हेलो हेलो हाँ संजना आप मॉम को फोन देंगे प्लीज सुरेखा हाँ संजू है संजू हाँ संजू अरे मॉम आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था वो रुका हुआ है वहाँ पर अरे बेटा टाइम का पता ही नहीं चला तू रुक मैं अभी जाती हूँ हाँ सब मेरे को अर्जुन को लेने स्कूल जाना होगा अभी हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ मेरा बैग सर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां चला गया मेरा बच्चा सर उसमें बचपना बहुत है एक 6-7 साल के बच्चे के जैसा कब खत्म होता है स्कूल आप कितने बजे पहुंचे हैं एग्जैक्ट टाइम बताइए सर 3 बजे स्कूल छूटता है मैं थोड़ा लेट हो गई मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था फिर संजू मेरी बेटी संजू ने मेरे बॉस विवेक सर के फोन पर फोन किया हाँ संजू अरे मॉम आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था वो रुका हुआ है वहां पर सर जब मैं वहां पहुंची तो 3:30 बज चुका था वॉचमैन वो अर्जुन कहाँ है वो तो चला गया चला गया ऐसे कैसे चला गया तुमने उसे जाने क्या दिया मैंने उसे बहुत रोका था मैंने कहा भी माँ आएगी तब जाना लेकिन वो नहीं माना चला गया अर्जुन हाँ सर अर्जुन यहीं पढ़ता है सर सर मैंने उसको बोला भी था कि अकेले नहीं जाने का अरे अर्जुन अरे अकेला कहाँ जा रहा रुक जाना अभी तेरी माँ लेने आती ही होगी कोई नहीं आने वाला है और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है अकेले जा सकता हूँ मैं और तुम अपना काम करो जाके आजकल के बच्चे तो टीचर और हेडमास्टर की नहीं सुनते हैं तो मेरी कहाँ से सुनता नहीं माना चला गया फिर उसकी माँ भी आई थी सर तकरीबन हाँ 3:35 से 3:40 के बीच में किस तरफ गया सर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ सर इधर ये देखिए सर सर ये तो अर्जुन है अमित पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो देखो कोई मर्डर वेपन या कोई और सुराग मिलता है क्या ओके सर देखो चारों तरफ सर कुछ नहीं मिला अमित ये अर्जुन जंगल में क्या करने आया होगा और कौन घूम कर सकता है इसका उसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब और वो भी किसी के साथ तुम्हारा नाम संजना है ना तुम जानती थी ना अर्जुन की इस आदत के बारे में संजू बेटा रो मत बताओ बताओ क्या बात है आई न्यू इट वो शराब पीता था कभी कभी पहले मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा प्लस मुझे पता था कि इस बात के सामने आने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी इसलिए मैं चुप रही लेकिन यस वो अपने दोस्तों के साथ पीता था कौन दोस्त सर सर लेकिन मैं मेरी बात सुनिए सर मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर और सर मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है अरे क्या ये क्या क्या तूने अरे मेरी तरफ देख बोल क्या क्या तूने सर ये पहुंचेगा ये निशान सूखे हुए खून के लगते हैं टेस्ट के बाद पता चलेगा इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दो ये क्या बोल रहे हैं इसे हमारे साथ जुवेनाइल कस्टडी में जाना होगा चलो आपको भी हमारे साथ आना होगा चलो बेटा तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच बता दो जितना छुपाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी है वो हॉकी जिस पर खून के निशान पोछे गए हैं उसकी रिपोर्ट आ गई उस पर लगा हुआ खून अर्जुन का ही अर्जुन अर्जुन हमेशा के लिए कहीं जाना चाहता था पता नहीं कहाँ लेकिन फॉरएवर उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि ब्यूटिक के बाद उसने अपनी माँ को उसके बॉस के साथ देखा था उसके पास पैसे भी थे हमने उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए फिर उसने हमारे लिए
अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? अर्जुन सबका फेवरेट था, पढ़ाई में भी फर्स्ट और स्पोर्ट्स में भी आगे। पूरा काम करो तुम लोग, मैं फर्स्ट आया स्कूल में। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, कीप इट अप। अब तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई किया करो। पक गए थे हम, हर कोई वही बोलता था बार बार, अर्जुन को देखो, अर्जुन जैसा पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन उस दिन हम बहुत खुश थे कि अर्जुन हमेशा के लिए जा रहा था। अर्जुन ये तो थैंक गॉड जा रहा है, इसने तो अपनी पूरी लाइफ की वाट लगा दी थी। मॉम डैड और टीचर की रोज रोज की किचकिच और लेक्चर से छुटकारा तो मिलेगा। हाँ यार, चलो यार मैं जाता हूँ, दीदी रुकी होगी। दीदी लेकिन तू तो जा रहा था ना? छोड़ यार, थोड़ा गुस्सा था इसलिए। अर्जुन तू पागल हो चुका है, तू वापस आ जाएगा? यार तूने तो कहा था कि तेरे पापा मम्मी के डिवोर्स के बाद भी उन लोगों के झगड़े होते हैं। हाँ ड्यूड, आराम से जा किधर दूर, एंड लिव योर लाइफ पीसफुली मैन। वैसे भी तेरी मम्मी को कहाँ तेरी पड़ी है, उसका तो अफेयर चल रहा है ना किसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट थोड़ी ऐसा ही है। तू जा यार इधर से, सीरियसली। नहीं यार बोला ना छोड़। लड़की है क्या, डर गया? एक बार डिसीजन लिया है ना, जाना है तो जाना। इतना समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो घर जाने लगा। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। उसको वापस जाने देते तो वही सब होता जो पहले होता था, इसलिए उसको रोकना ही था। What's wrong with you guys? पागल हो गए तुम लोग? अब तू घर नहीं आ सकता, चुपचाप निकल ले। क्या टाइम कर रहे? मुझे जो करना है मैं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि मेरा अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मार दिया मेरे अर्जुन को। मैंने अर्जुन को ये सब क्यों बताया? ये अफेयर वाली बकवास, मैं नहीं जानता था उसका ये असर होगा। अब क्या पछता रहे? हमारे पछताने से अब मेरा अर्जुन वापस नहीं आने वाला। गलती हम सब की है, हम सब सेल्फिश हैं। दीपक तुम प्लीज यहां से चले जाओ। चाहिए था मॉम, अर्जुन की शराब वाली बात छुपाकर वो छुपाई मैंने। अगर आपको पता होता तो ये सब नहीं होता। नहीं संजू, कोई गलती नहीं है। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, तुझे मेरी परवाह थी इसलिए किया। लेकिन मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, मैं हार गई। बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला, फोटो वॉलेट आईडी कुछ नहीं, रॉबरी केस लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कातिल ने जानबूझकर वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा ताकि हम बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर सके। मात्रे आसपास के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और उनसे पूछताछ करो। सर। बाय टीचर। बाय।
हेल्प करूंगी, फिर घर जाऊंगी। अच्छा तुम घर पर भी मामा की ऐसी हेल्प करती हो? हाँ, मैं ब्राउन ब्राउन रोटी भी बना लेती हूँ, मेरी फिंगर्स भी नहीं जलती। मैं मम्मी के बहुत हेल्प करती हूँ। टीचर अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। समझ में नहीं आ रहा कि टीना को किडनैप किसने किया होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मर्डर और किडनैपिंग किसी एक ने की है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इस केस को दोबारा से स्टडी करना होगा। बाप ने बच्ची को बेचने की कोशिश की, लेकिन बाप का मर्डर हो गया। शायद जिसने मर्डर किया है वो बच्ची को बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ शराबी है और उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी को फर्क पड़ता है वो है टीना की टीचर। अब हमारे पास सिर्फ टीचर और उसकी माँ ही है जिसे कुछ पता चल सकता है। इन दोनों पर नजर रखो। सर, शांत हो जाऊं मैं। इस औरत ने मेरी अंजलि और संगीता, हम इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? अंजलि अपनी बेटी टीना के गायब होने को लेके काफी परेशान है। वो उसके स्कूल भी गई जहाँ उसने संगीता के साथ झगड़ा किया। उसने संगीता पे ये आरोप लगाया कि संगीता ने टीना की किडनैपिंग की। मुझे नहीं लगता कि अंजलि इस किडनैपिंग में शामिल हो। और वो टीचर संगीता? तो उसके डेली रूटीन को भी चेक किया, काफी सिंपल, स्कूल से घर और घर से स्कूल। उसका भी इस किडनैपिंग में शामिल होना मुश्किल लगता है। जितने भी सस्पेक्ट थे सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची गई तो गई कहां। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नजर नहीं है जिसमें हम शक कर सकें। सर, इसका मतलब मर्डर रात को हुआ है। मात्रे, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने यहां किसी को आते जाते देखा हो या लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी हो। सर, एम्बुलेंस को बुला। आपने कल रात अंजलि के घर से किसी को आते देखा था? हाँ सर, मैंने कुछ देखा था। मैं कल रात अपने टूर से वापस आ रहा था तो। अंजलि जी, टीना का कुछ पता चला? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई औरत ही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत का वक्त और उसके पड़ोसी ने उस औरत को देखने का वक्त लगभग सेम है। अगर अशोक सच कह रहा है तो फिर वो औरत कौन हो सकती? सर, कहीं चिराग की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं जिसने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया हो? लेकिन चिराग की कॉल डिटेल से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मात्रे, हमारे पास एक ही फीमेल सस्पेक्ट है, स्कूल टीचर संगीता, और उसका ऐसा करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मात्रे, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, और ये भी पता करो कि कल रात को वो कहां थी, और ये भी पता करो कि सूरज की जिंदगी में कोई और औरत है या नहीं। सर, अंजलि को किसने मारा? अंजलि खून हो गया? हाँ, अब ये बताओ उसे कौन जान से मार सकता था या थी? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसको बहुत प्यार करता था साहब। अंजलि जैसी और कितनी है तेरी? साहब, एक संभलती नहीं थी, दूसरे के लिए कहाँ से टाइम निकालूंगा मैं। तो लगता है कि सूरज सच कह रहा है। और वो टीचर संगीता, उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर, उसका बचपन आम बच्चों से काफी अलग था, उसे बहुत मारा पीटा गया। उसके बाप की दरिंदगी से बचाते बचाते उसके माँ के हाथों उसके बाप का खून भी हो गया, जिसके बाद उसकी माँ जेल चली। उसका बाकी बचपन अनाथ आश्रम में।
उसके चेहरे से लगता नहीं है कि उसकी जिंदगी में ऐसे राज छिपे हो सकते हैं। उसकी माँ को जेल से छूटे 2 महीने हो चुके, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी से जाकर पूछते हैं। चलो सर। हाँ ये सच, मेरी माँ ने मेरे डैड का खून किया था, इसलिए मैं टीना की तकलीफ महसूस कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी मैंने फेस किया है वो बच्चे भी वो सब फेस कर। अच्छा ये बताइए, इस वक्त आपकी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आपके सिवा उनका है कौन? पर वो ऐसे कहाँ जा सकती है? ये सच है कि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ रहती तो मुझे पुरानी बातें याद आती जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए आपने उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। मैंने उन्हें टीना की तकलीफों के बारे में भी बताया कि कैसे उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस सब में मेरी माँ का हाथ है? देखिए, हम इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये हमारा काम है। पात्रे, हमें पता करना होगा कि संगीता की माँ जेल से छूटने के बाद कहाँ गई और किस किस से मिली। ये भी मुमकिन हो सकता है कि उसने टीना को बचाने के लिए वही किया हो जो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। चलो। म्युनिसिपल अस्पताल की फाइल, इससे साफ पता चलता है कि संगीता की माँ का इस किडनैपिंग और मर्डर में कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसके मुताबिक उसके जेल के छूटने के 15 दिन बाद ही वो मर चुकी थी। इसका मतलब संगीता जानबूझकर बिना पूछे अपनी माँ की तरफ इशारा कर रही थी। सर, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे भी यही लगता है, उसे पता था कि उसकी माँ मर चुकी, इसीलिए उसने अपनी माँ को ढाल बना के हमें गुमराह किया। इस संगीता की सारी डिटेल्स निकलवा, बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल, सब कुछ। सर, मात्रे को लीड मिली? कॉल डिटेल्स में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपे हम शक कर सकें, लेकिन बैंक डिटेल्स में एक बात सामने आई। कौन सी बात? तो कुछ दिन पहले उसने एक टॉय स्टोर से काफी सारे खिलौने खरीदे, पर परचेज डेट बच्ची के गायब होने के बाद। ये देखिए बिल। पार्किंग डॉल, बार्बी डॉल, किचन सेट। आप बहुत बुरी हो, मम्मा के पास जाना मुझे। चुप। बहुत अभी बदतमीजी अभी तेरी। छोटी सी उम्र में अपने माँ के हाथों अपने बाप का मर्डर होते देख उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ा होगा। शायद इसीलिए अब नॉर्मल बिहेव करने लगे। मात्रे, इतनी बड़ी बात हमारे सामने अभी तक कैसे नहीं आई? चलो। जी, संगीता जी घर में नहीं है? संगीता मैडम तो घर पे ही होंगी, वो बिल्डिंग से बाहर गए ही नहीं है। मात्रे, हमें यहाँ हर घर की तलाशी लेनी है। मात्रे, तोड़ो दरवाजा। Go!
कर दो ना इसे भी। हमेशा आपके पास एक स्पेयर की रहती है? हमेशा नहीं रहती है। जब विवेक बाबा घर पर नहीं रहते तो ये चाबी मेरे पास रहती और मैं अपना झाड़ू कट कर करके चली जाती। इसका मतलब आप खुद से कई बार लॉक खोल कर अंदर जाती होंगी? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि आज विष्णु साहब घर पर ही होंगे। जब मैं सुबह आई मैंने बहुत घंटी बजाई और बहुत दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने विवेक बाबा को फोन किया। हेलो विवेक बाबा, मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ लेकिन कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। तो घर की एक चाबी आपके पास भी तो है ना? क्या? हाँ साहब। बाबा कहाँ जा? जी मैं अकेले आ जा सकता हूँ, स्कूटर है मेरे पास चार पहियों वाला। और तुम्हारी बहन वो कहाँ है? वो नहीं आई। क्यों, क्या वो यहाँ कभी नहीं आती थी? नहीं सर, वो नहीं आती थी यहाँ। तुम्हारा मेरी केयर टेकर नफीसा आती हैं आप। उसके अलावा और कोई जो यहाँ पे आते जाता हो या इन तीन दिनों में आने वाला हो? नहीं। फौरन नफीसा को बुलाओ। सर वे कोई ऐसा है जो तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा कर सकता हो? कोई दुश्मन? सर बाबा बहुत अच्छे थे और मुझे नहीं लगता उनके किसी से कोई दुश्मनी होगी। मैं कभी बाबा की अलमारी नहीं चेक करता था, पर हाँ लगभग एक महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे। उसमें करीबन 500 के चार गड्डियां थी। बाबा हाँ, सारे पैसे सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। अब देने जा रहे हो किसी को? हाँ, अरे वो एक गाड़ी फंस गई है, उसे छुड़ाना है। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? जी बाबा का गाड़ियों का बिजनेस था, करीबन चार गाड़ियां थी बाबा के पास। तुम आखिरी बार विष्णु से कब मिली थी? सर जिस दिन विवेक जी यहाँ से गए थे 11 मई को। उसके बाद तुम्हारा यहाँ एक बार भी आना नहीं हुआ? नहीं सर, उस दिन मैं यहाँ आखिरी बार आई थी। विवेक तुम्हें याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ। बिना स्टिक के लगातार प्रैक्टिस करनी है। हाँ। ठीक है, पूरी तैयारी? हाँ बाबा, अपना ध्यान रखना वर्कशॉप के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बाबा। अच्छा विवेक को स्कूटर पे बिठा के तुम भी घर चली जाओ। विवेक तुम 15 को लौट रहे हो ना? हाँ बाबा। नफीसा तुम भी उसी दिन आ जाना। ठीक है। तीन दिन छुट्टी एंजॉय करो। ठीक है। तो तीन दिनों से ना तो नफीसा विष्णु से मिली और ना तुम। बच्ची तुम्हारी बहन कहाँ है? वो सर वो सरदा जी। जी आपके पिता की मौत हुई है, किसी ने बेरहमी से उनका कत्ल किया है और आप एक बार देखने भी नहीं आई, खास वजह जान सकता हूँ? सर हमारे लिए वो बरसों पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत का शोक मना मना के हमने अपने सारे आंसू सुखा दिए। हमने? हाँ मैं और आई। कहाँ हैं आप? क्या है? उन्हें सबसे छुट्टी मिल गई सर, वो अब इस दुनिया में नहीं। अपने बाबा के खिलाफ इतनी नफरत, आखिर ऐसा क्या किया था उन्होंने? खूनी थे वो। खूनी? किसे मारा था उन्होंने? एक बार सिर्फ एक मौका देना। अरे तूने जिसे मारा है क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है तुझे मौका देने से? नहीं ना हे विष्णु, मुझे ऐसे खूनी के साथ नहीं रहना है। और हाँ, आइंदा मुझे और मेरे बच्चों को मिलने की कोशिश भी मत करना। चला। आपने अब तक ये नहीं बताया कि किसका खून किया था आपके बाबा ने। वो सर वो मुझे नहीं पता। आपकी आई ने कभी आपको ये बात नहीं बताई? ये तो क्या, बाबा से जुड़ी कोई भी बात आई कभी नहीं करती थी। ठीक है ना,
सर, हमसे बात करते समय लास्ट लोकेशन के हिसाब से दिनेश राणा अपने घर पे ही था और तब से फोन बंद है। ये क्या, ये रात को पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये विष्णु खुद तो मर गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। कौन हो, आपका दोस्त? दोस्त नहीं, दुश्मन था मेरा। आपने कभी पहले भी इन्हें इतने पैसे घर से ले जाते हुए देखा है? एक घर देखने जा रहा हूँ वलसाड़ में, तुम्हारे फोन पे फोटो भेज देता हूँ, अच्छी लगे तो बता देना, टोकन देके दो दिन में आ जाऊंगा वापस। सुनो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? अरे यार समझा करो, उधार लिए किसी से। सर भुवन सही कह रहा है, मर्डर वाले दिन फोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने घर पे ही था। शायद सरिता भी सच कह रही है कि विष्णु ने किसी का मर्डर किया था, वरना दिनेश भुवन को इतने पैसे क्यों देता और खुद सुसाइड क्यों करता? 16 साल पहले जरूर कुछ बड़ा हुआ था। दीदी पानी देना, पान। अरे दीदी, 16 साल पहले तुम्हारे बाबा ने एक पाप किया था जिसकी वजह से उनके दोस्त दिनेश राणा ने सुसाइड कर लिया है, कहीं वही पाप तुम्हारी बहन के सुसाइड अटेम्प्ट का कारण तो नहीं बना? मैं मानता हूँ कि मेरे बाबा ने मर्डर किया था, आय की मालकिन थी वो दमयंती पवार, पर मेरे बाबा पापी नहीं थे सर। लगभग 1 साल पहले की बात है, मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा दूध। थैंक यू बाबा। पर ये तुम्हारे मेहनत की पहली कमाई। अरे पकड़ो। हाँ बाबा, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको भी मेहनत की कमाई अच्छी नहीं लगती? क्यों लाए आप ऐसी पाप की कमाई घर के अंदर? क्या ही को आपको छोड़ के जाना पड़ा? 16 साल पहले की बात है मैडम, बनने से पहले उसने मुझे बोला था कि अलमारी में कुछ पैसे और जेवर रखे हैं, मेरे इस काम के बदले में मुझे लेने थे। खून करने के बाद मैं दोस्त के घर गया, उसने बंदूक ठिकाने लगाई, आधे पैसे मैंने उसको दे दिए। फिर मैं अपने घर आया, तेरी आई को ये बात बताई तो मुझे खुद को पोलियो है सर, और मैंने कितनी बार चाहा कि मुझे मेरे शरीर से मुक्ति मिल जाए, मगर मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पर। 16 साल पहले उस औरत को बीमारी थी तो उसका मर्डर हो गया, अब तुम्हारे बाबा बीमार थे तो उनका भी मर्डर हो गया। ये 16 साल पुरानी कहानी अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही है ना? सर, विष्णु के घर की बाइक के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल से तो कुछ भी पता नहीं चला, पर मर्डर वाली रात विवेक की केयरटेकर नफीसा 1 नंबर के काफी कॉन्टेक्ट में थी। मैंने उस नंबर की लोकेशन डिटेल चेक की तो पता चला कि वो नंबर मर्डर वाली रात विष्णु के घर के इलाके में ही कहीं एक्टिव था। पता करो ये नंबर अभी कहां एक्टिव है। सर सुनिए, ये असलम का घर किधर है? ये क्यों मारा विष्णु दामले को? क्यों मारा? सर हमने जानबूझ के नहीं मारा उनको। नफीसा, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इंश्योरेंस की 20 लाख रुपए मिलेंगे। यह तब हो सकता है जब मेरी मौत हो, लेकिन मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता, पर नहीं मैं सुसाइड कर सकता हूं। यह तब पॉसिबल है जब मेरा मर्डर होगा, तुम लोग मेरा खून करोगे। सर पर अगर हम दोनों फंस गए तो? 16 साल हो गए, मैं नहीं फंसा तो तुम लोग क्यों फंसोगे? देखो यही अच्छा मौका है, विवेक वर्कशॉप के काम से बाहर गया है, कोई आई विटनेस नहीं होगा, अलमारी में 2 लाख रखे होंगे वो लेकर चले जाना, और हाँ जाते वक्त घर का सारा सामान जो है बिखेर देना ताकि लोगों को लगे कि चोरी के इरादे से मर्डर हुआ है। सब ये सब उनकी मर्जी से हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है सब। तुम्हारी कोई गलती नहीं है? हाँ मर्डर किया है तुम लोगों ने, और मर्डर करना एक क्राइम है। जब जिंदगी दे नहीं सकते तो ली कैसे तुम लोगों ने? अब यही जेल की हवा खाओ और सोचो क्या गलती की थी।
सरिता जी, नो डाउट आपके बाबा एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुतों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अच्छे मकसद का रास्ता भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अफसोस की कानून की नजर में वो सिर्फ एक खूनी है, और क्योंकि अपना खून भी उन्होंने खुद करवाया, इसलिए उनकी इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिल सकते विवेक। नहीं चाहिए सर 25 लाख रुपए, उससे कीमती चीज मेरे बाबा ने मेरे को दी, मुझे जीना सिखाया, मुझे हौसला दिया अपने पैरों पे खड़े रहने का। नहीं चाहिए कुछ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।